लोगों का लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। आज योगा की प्राथमिक पाठशाला में हम देखने जा रहे हैं। मित्रों, क्या हमें मालूम है कि कई तरह की प्रमुख अंगे हैं हमारे शरीर में, जो कि हमारे शरीर से अशुद्धि विषाक्त पदार्थों को निकालने में मौजूद होते हैं। उनका मुख्य काम ही होता है, मुख्यतः वो द्रव पदार्थ लिक्विड को निकालते हैं, जिनमें मुख्य होते हैं लीवर और किडनी। इन दोनों का स्वस्थ रहना हमारे जीवन के लिए बड़ा ही जरूरी होता है। तो आज जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, योगा करने जा रहे हैं, उसका नाम है नवासन, नौकासन, और इंग्लिश में कहते हैं बोट पोज। इसमें हमारे शरीर की स्थिति ठीक इसी तरह से हो जाती है जैसे एक शांत जहाज समुद्र में यात्रा कर रहे हैं, और इससे हमारे लीवर और किडनी तो तंदुरुस्त होते ही है, इसके साथ साथ हमारे पीठ के दर्द, कमर के दर्द, मेरुदंड, इसे भी एक अच्छा लाभदायक प्रभाव देता है। तो आइए इससे हम करते हैं। इसे करने के लिए हम सर्वप्रथम दंडासन में बैठ जाएंगे। ये है हमारा दंडासन। अपने दोनों हाथों को इस तरह से रख लेंगे, ये बिल्कुल सीधा हो। हम ध्यान देंगे हमारी मेरुदंड, नेक, ये बिल्कुल सीधे, पैर थोड़ा सा अंदर, यह हमारा दंडासन है। इस तरह से हम धीरे धीरे अपने घुटने को सटा के रखेंगे, पैर को सटा के रखेंगे और धीरे धीरे ऐसे उठाएंगे, अपने पैर को ऐसे उठाएंगे और ये दोनों हाथ को इस तरह से ले आएंगे। ये इसमें मित्रों हमारे एंगल जो बनना है 45 डिग्री बनना है। अगर आपका दोनों पैर एक साथ नहीं उठ पा रहा तो आप दोनों को होल्ड कर लीजिए, होल्ड करके फिर उठाइए, ये होल्ड करके कुछ देर रखिए और फिर ऐसे आप उठाइए। जब उठ गया तब हाथ को आप ऐसे कर लीजिए। आपकी नजर बिल्कुल दोनों उंगलियों पे टोच की ओर होनी चाहिए। आप शुरुआती दौर में 10 से 30 सेकंड तक कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने समय बढ़ा सकते हैं। हम जब मेन पोजीशन में होते हैं तो हमारा शरीर का पूरा वजन सिर्फ कुल्हे पर आना चाहिए और कहीं भी नहीं जाना चाहिए। फिर से आइए हम करते हैं। यह हमारा दंडासन, धीरे से पैर उठाएंगे। ये इसमें हम कोशिश करेंगे ये हमारा बिल्कुल सीधी लाइन में हो, ये 45 डिग्री हो, सारा वजन कुल्हे पर आए। इस तरह से इसमें हमें कई सावधानियां भी लेना मित्रों। अगर आपके कमर में ज्यादा ही प्रॉब्लम है, लो बीपी है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, डायबिटिक है, तो ये आपके लिए कंट्राइंडिकेशन है, इसे आप नहीं ही करें। इसमें हमें बड़े फायदे हैं, स्पेशली हमारे किडनी और लीवर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।